नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल सिख संबंध के विषय में। मुगलों और सिखों के बीच में कैसे संबंध रहे, कैसे उनके बीच शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत होती है। वैसे तो हम लोगों ने औरंगजेब के समय में मुगलों और सिखों के बीच संबंध कैसा रहा इसके ऊपर डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन औरंगजेब के पहले के शासकों के साथ सिखों का कैसा संबंध रहा, कब से रिश्ते बिगड़ना चालू हुआ, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, मुगल सिख संबंध। तो देखिए, जो सिख संप्रदाय है उसकी शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी के ऊपर मेरे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में मैंने उसमें डिटेल में बताने की कोशिश की है। वैसे हम लोग इसमें सिख धर्म, सिख संप्रदाय के बारे में या फिर सिख गुरुओं के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस किस सिख गुरु के समय में मुगलों के साथ संबंध कैसा रहा, क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत के जो चार गुरु थे, क्योंकि सिखों में जो है गुरु परंपरा हुआ करती थी, टोटल 10 गुरु हुए थे। तो शुरुआत के जो चार गुरु थे, मतलब जो अपने गुरु नानक देव जी हो गए, गुरु अंगद देव जी हो गए, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी, तो ये जो चार गुरु थे ना, इनके समय तक सिखों और मुगलों के बीच संबंध अच्छे रहे। जो गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ये दोनों अकबर के समकालीन थे, अकबर के समय के थे। अब अकबर जो है ना, बिल्कुल धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण नीति का अनुसरण करने वाला शासक था। अच्छा, ये जो गुरु अर्जुन देव, ये भी जो है अकबर के ही समकालीन थे। तो तीन गुरु, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, ये तीनों जो हैं अकबर के समय के थे, अकबर के समकालीन थे। क्योंकि अकबर जो है बहुत ही ज़्यादा उदार था, सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता था। इस कारण से अकबर के समय में मुगलों और सिखों के बीच संबंध जो है अच्छे बने रहे, मैत्रीतापूर्ण बने रहे। क्योंकि अकबर वो तो सबको समान मानता था, वो अपने दरबार में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित करता था, और अगर कोई किसी कला में माहिर है तो उसको संरक्षण भी दिया करता था, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो। तो शुरुआत में, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं गुरु अर्जुन देव के समय तक, हालांकि गुरु अर्जुन देव के समय ही चीजें बिगड़ना शुरू होती है, लेकिन अकबर के मृत्यु के बाद, तो अकबर के मृत्यु तक गुरु अर्जुन देव के समय जो है ठीक ठाक रहता है मुगलों और सिखों का संबंध। अब देखिए, जो सिख है उनका जो अस्तित्व, मतलब वो कहां पर उनका शुरुआत होता है, पंजाब में। अब ये जो पंजाब है मुगलों के अधिकार में था शुरू से ही। जो बाबर है वो आता है अफगानिस्तान, मतलब जो काबुल कंधार वगैरह को जीतता हुआ, फिर वो पंजाब को जीतता है, फिर दिल्ली विल्ली में अधिकार कर लेता है। हुमायूं, उसके अधिकार में भी था पंजाब, अकबर के अधिकार में भी था पंजाब। तो वहीं पर जो है सिखों का उत्थान होता है, और अब उसी क्षेत्र में रहेंगे तो संबंध होना जाहिर सी बात है, तो अकबर के साथ ठीक ठाक रिलेशन रहे। अब जो गुरु रामदास जी है ना, इन्होंने पंजाब में अमृतसर, जो अमृतसर है ना, वहां पर अमृतसर नगर की स्थापना की। बाद में वहीं पर फिर स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई, जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। वैसे इन सब चीजों पर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, गुरु अर्जुन देव के ऊपर आते हैं। तो इनका थोड़ा सा मैंने, अच्छा, ये जो गुरु अर्जुन देव हैं इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो गुरु अर्जुन देव हैं, इनका समय है 1581 से लेकर के 1606 तक। 1581 मतलब अकबर, और 1606 मतलब अकबर की मृत्यु कब हुई, सन 1605 में। तो 1605 में जहांगीर आ जाता है। तो 1605 तक गुरु अर्जुन देव के समय भी मुगलों के साथ संबंध अच्छा रहा, लेकिन 1605 में जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, उसका बेटा जहांगीर वो बादशाह बन जाता है। अब जहांगीर को जिस समय बादशाह बनाया जाता है, उस समय जो है मुगल साम्राज्य का एक और दावेदार था जहांगीर का बेटा खुसरो। तो खुसरो जो है विद्रोह कर देता है 1606 में, उसको कैद में रखा गया था, कैद से वो जो है किसी प्रकार भाग जाता है, पंजाब पहुंचता है। पंजाब में वो गुरु अर्जुन देव से मिलता है, कौन, खुसरो, खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा है, अर्जुन देव से मिलता है। चूंकि जो गुरु अर्जुन देव है वो धार्मिक व्यक्ति हैं, शुरुआत में ना ये जो सिख लोग थे ना, ये बिल्कुल धर्म कर्म अपना मस्त पूजा पाठ में लगे रहते थे, ईश्वर की आराधना में, मतलब इस टाइप से लड़ने भिड़ने का काम उनका नहीं था शुरू में। वो बाद में परिस्थिति वश वो जो है एक क्या कहेंगे वॉरियर के रूप में बदल जाते हैं। तो शुरुआत में बिल्कुल वो भगवान की भक्ति में लगे रहे, उस टाइप के लोग थे। तो गुरु अर्जुन देव के पास जाता है खुसरो, और जो गुरु अर्जुन देव है वो खुसरो को सफल
सफलता की कामना करता है, मतलब कि उसको आशीर्वाद देता है कि तुम जिस उद्देश्य से निकले हो उसमें तुम अवश्य सफल होगे। मतलब जो गुरु अर्जुन देव है वो खुसरो की कोई सैनिक सहायता वहायता नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय तक ना जो सिख थे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सैन्य शक्ति के रूप में उभरे हुए थे, तो वैसा कुछ था नहीं। तो जो गुरु अर्जुन देव है केवल उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया, सफलता की कामना की। अब जो अपना जहांगीर है वो खुसरो के पीछे लगा हुआ था, खुसरो का दमन करता है और खुसरो को कैद करके अपना क्या करते हैं कैद कर लेता है, उसकी आंखें वगैरह निकलवा देता है। अब गुरु अर्जुन देव इन्होंने जो है खुसरो को जो है आशीर्वाद दिया था, उसकी सफलता की कामना की थी। तो जब जहांगीर को ये चीज पता चलती है कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया, सफलता की कामना की, तो जहांगीर वैसे ही गुरु अर्जुन देव से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो है दिन प्रतिदिन फेमस हो रहे थे, उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, तो थोड़ा उसको बहाना मिल जाता है जहांगीर को। और गुरु अर्जुन देव को पहले तो बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य को हर जाना दीजिए। अब जो गुरु अर्जुन देव है मना कर देते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं हर जाना क्यों दूँ, जो मेरे शरण में आएगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, ऐसा वो बोलते होंगे। लेकिन जो जहांगीर है वो बोलता है हर जाना तो देना पड़ेगा, लेकिन गुरु अर्जुन देव मना कर देते हैं। अब इससे जहांगीर जो है क्रोधित हो जाता है, गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको फिर सताया जाता है, परेशान किया जाता है, मतलब वही इस्लाम कबूल कर लो इस टाइप की चीजें या फिर हर जाना दो, लेकिन गुरु अर्जुन देव जो है किसी भी बात को नहीं मानते हैं। तो जो जहांगीर है क्रोध में आ जाता है और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। तो यहां से जो है सिखों और मुगलों का जो संबंध है वो वैमनस्यता पूर्ण हो जाता है। अकबर के टाइम में बिल्कुल मैत्रीतापूर्ण संबंध रहा, ठीक ठाक रहा दोनों तरफ से, लेकिन इसके समय जो है जहांगीर के टाइम पर यह चीज बिगड़ जाता है। कब हत्या किया गया था? सन 1606 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि गुरु मतलब किस मुगल शासक ने किस सिख गुरु की हत्या की थी, कारण क्या था ये भी पूछा जाता है, तो खुसरो का विद्रोह। तो अब जो है गुरु अर्जुन देव जी की हत्या हो गई सन 1606 में। उसके बाद जो है अगले गुरु नियुक्त होते हैं गुरु हरगोविंद। इनका मतलब समय कब से कब तक था? तो 1606 में ये गुरु बनाए जाते हैं और लगभग ये जो है ना 1645 या 44 तक ये गुरु रहते हैं सिखों के। हाँ 1645 तक ये गुरु थे, कुछ पुस्तकों में अलग अलग डेट देता है। तो 1606 से लेकर 1644 तक गुरु हरगोविंद सिखों के गुरु रहे, सिखों के छठवें गुरु थे, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना अपना क्या कहते हैं, जिस समय गुरु बने उस समय मात्र 11 वर्ष के थे, अल्पायु के थे, क्योंकि जो पहले वाले गुरु थे आकस्मिक उनकी डेथ हो जाती है, हत्या कर दिया गया, तो ये मात्र 11 वर्ष के थे गुरु हरगोविंद सिंह। तो ये भी जो है अपना मतलब अब मुगलों के साथ एक संघर्ष शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा वैमनस्यता इनके समय में भी बना रहता है। तो इनके संबंध में कहा जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह दो तलवार धारण करते थे, दो तलवार हमारे अपने पास रखते थे, और इनका कहना था कि इनमें से जो एक तलवार है वो उनकी आत्मिक शक्ति को प्रदर्शित करता है और जो दूसरी तलवार है वो सांसारिक शक्ति को का प्रतीक है, सांसारिक प्रतीक और आत्मिक शक्ति। तो ये दो चीजें मतलब सांसारिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को दर्शाने के लिए वो जो है दो तलवार धारण किया करते थे। इसके अलावा जो गुरु हरगोविंद थे उन्होंने एक और चीज की घोषणा की कि अब से कोई भी भक्त हमसे आशीर्वाद लेने आएगा, हमसे मिलने आएगा, तो वो जो है उपहार के रूप में, भेंट के रूप में अस्त्र शस्त्र भी दे सकता है। मतलब जो गुरु हरगोविंद सिंह जी ये अब पूरी तरह से समझ गए कि अब हम लोगों को सर्वाइव करना है, अपना जो धर्म है, अपना जो संप्रदाय है उसको बनाए रखना है, तो अब हमको जो है संघर्ष करना होगा, जो दूसरे लोग हैं हमारे धर्म को हमारे संप्रदाय को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, तो उसके लिए हमको जो है तलवार धारण करना होगा, अस्त्र शस्त्र उठाने होंगे। तो इस कारण से ये दो तलवार धारण करते थे और अपने भक्त जनों को भी आदेश दिया कि भेंट के रूप में अस्त्र शस्त्र दे सकते हो इस टाइप से। और इन्होंने मतलब अब जो है संघर्ष भी चल रहा है और इन्होंने ना अकाल तख्त की स्थापना की थी, ये भी पूछा जाता है, अकाल तख्त इन्होंने शुरू किया था। अब जो क्या कहते हैं जहांगीर, अब वो जो है गुरु हरगोविंद सिंह हैं इनके ऊपर भी जो है जुर्माना लगा देता है, जुर्माना देने को बोलता है, लेकिन जो गुरु हरगोविंद हैं मना कर देते हैं, अपने पिता के समान ही नहीं दूंगा। तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। ग्वालियर जो आज के समय में मध्य प्रदेश में है, तो वो जो है मुगल अपने जेल के रूप में
उसको यूज किया करते थे, अपना मतलब क्या कहते हैं कारागृह के रूप में उसको यूज किया करते थे ग्वालियर के किले को। तो गुरु हरगोविंद जी ये जो है एक वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रहते हैं, बाद में वहां से जब छूट करके आते हैं तो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लग जाते हैं, सैनिक शक्ति बढ़ाने में मतलब शुरू कर देते हैं कि अब हमको जो है मुगलों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी समय जो है जो जहांगीर है उसकी डेथ हो जाती है सन 1627 में, उसके बाद शाहजहां आता है। तो शाहजहां के समय में जो गुरु हरगोविंद जी थे उनका और मुगलों का दो बार आमना सामना होता है, लेकिन जो सिख हैं वो जो है मुगलों के सामने टिक नहीं पाते हैं, मतलब जो सिख है उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो गुरु हरगोविंद जी हैं हतोत्साहित हो जाते हैं और इनको लगता है कि हमारी शक्ति जो है मुगलों के सामने बहुत कम है, हम लोग जो है उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, और इनका जो आखिर का जो जीवन था समय था वो शांतिपूर्ण ये व्यतीत करते हैं। हालांकि इस बीच जो है ना शाहजहां जिसकी शुरुआत में जो नीति थी थोड़ी सी धार्मिक असहिष्णुता वाली होती है, लेकिन आगे चल करके शाहजहां का जो बेटा होता है दारा शिकोह उसके कारण थोड़ा सा जो शाहजहां का जो क्या कहते हैं उसका जो परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि दारा शिकोह धार्मिक रूप से सहिष्णु था तो थोड़ा सा उस वजह से भी शाहजहां जो है आगे कुछ उतरा करता नहीं है। शुरुआत में था थोड़ा सा असहिष्णु टाइप का व्यक्ति, कट्टर टाइप का तो शुरुआत में हुआ था, लेकिन आगे जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुरु हर राय, मतलब कि सन 1644 में जो गुरु हरगोविंद जी हैं इनकी डेथ हो जाती है, फिर गुरु हर राय इनको बनाया जाता है सिख गुरु, मतलब कि ये जो है सिखों के सातवें गुरु थे। इनके समय जो है सिख और मुगलों के बीच का जो संबंध था थोड़ा मतलब सुधरना शुरू हुआ था। क्यों? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जो कि धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था, बिल्कुल अकबर टाइप का था, सभी धर्म को अच्छा समझता था, सभी धर्मों को समान समझता था, सभी धर्मों में अच्छी अच्छी चीजों की खोज में ये लगा रहता था। मतलब मुस्लिम होते हुए भी ये गैर मुस्लिम धर्म, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबसे ये मिलता था, सबकी बातें सुनता था, क्वेश्चन करता था। तो जो दारा शिकोह था उसका और गुरु हर राय के बीच मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इस समय जो है सिख और मुगलों के बीच जो संबंध है कहीं ना कहीं उसमें जो है सुधार आना शुरू हुआ था, क्योंकि जो क्या कहते हैं कि जो शाहजहां है वो फिर दारा शिकोह के प्रभाव में आकर के थोड़ा सा जो कट्टर वाली नीतियां हैं उसको त्यागना वो शुरू कर देता है, तो ठीक ठाक मतलब संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन क्या होता है गुरु हर राय के समय ही सन 1658 में जो औरंगजेब वो बन जाता है मुगल बादशाह। अब औरंगजेब जो है बड़ा कट्टर आदमी, कट्टर धार्मिक रूप से, कट्टर हर मामले में कट्टर, और जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें दारा शिकोह मारा जाता है, मतलब दारा शिकोह खत्म हो जाता है और औरंगजेब आ जाता है। अब औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर है तो कहीं ना कहीं जो गुरु हर राय है ये चिंतित हो जाते हैं कि जो सिख और मुगलों के बीच का जो संबंध है वो सुधर रहा था, अब औरंगजेब आ गया, मतलब अब फिर से बिगड़ना है। तो कहीं ना कहीं जो है इनके मन में शंका उत्पन्न होने लगता है कि अब क्या होगा। तो स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आता है और जो अपना जो औरंगजेब होता है जैसे ही वो बादशाह बनता है अपनी नीतियों की घोषणा करना चालू कर देता है कि नया मंदिर नहीं बना सकते, मरम्मत नहीं करवा सकते, कुछ सालों के बाद जजिया लगा देता है, दुनिया भर की वो जो गैर इस्लाम विरोधी काम करना शुरू कर देता है। तो इससे जो है लगभग उसके समय में जो दूसरे लोग भी थे, राजपूत भी परेशान थे, जाट परेशान थे, और भी कई सारे लोग, सतनामी लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था, तो ये भी थोड़ा सा सशंकित होते हैं। लेकिन उतना कुछ विशेष घटना घटित नहीं होता है। सन 1662 में इनकी जो है डेथ हो जाती है, उसके बाद जो गुरु हरकिशन वो जो है सिखों के आठवें गुरु बनते हैं, गुरु हरकिशन। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है स्थिति परिवर्तन होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक नाम याद रखना है, राम राय। ये राम राय कौन थे? जो गुरु हर राय है ना उनके बड़े बेटे थे राम राय, और जो राम राय है वो लंबे समय तक औरंगजेब के यहाँ मतलब कि मुगल दरबार में रह चुका था। कौन? राम राय। अब राम राय मुगल दरबार में था, औरंगजेब के दरबार में था, मतलब औरंगजेब का इस पर अच्छा खासा प्रभाव था। तो औरंगजेब चाहता था कि जो अगला सिख गुरु है वो राम राय को बनाया जाए, राम राय जो कि औरंगजेब के प्रभाव में है। तो औरंगजेब जो है राम राय के माध्यम से पूरे सिखों पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। इस कारण से औरंगजेब जो है राम राय को अपना मतलब सिखों का गुरु बनवाना चाहता था। लेकिन इधर क्या हो जाता है, गुरु हर राय की मृत्यु के बाद उसके बेटे गुरु हर किशन इसको बना दिया जाता है सिखों का आठवां गुरु। अब जो
राम राय है ये भी मतलब चाहता है कि मैं गुरु बनूं, तो थोड़ा सा षड्यंत्र करना चालू करता है, औरंगजेब के कान भरना भी चालू करता है। तो औरंगजेब जो है, जो गुरु हरकिशन है, इनको जो है दिल्ली आमंत्रित करता है कि दिल्ली आइए बात करते हैं, जो भी मतलब मतभेद है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, इस टाइप से बोलता होगा, बहाना बनाता होगा, लेकिन कुछ हो पाता। इसी बीच सन 1664 में गुरु हरकिशन, इनको जो है चेचक निकल आता है जिससे इनकी डेथ हो जाती है। तो 1662 से लेकर 1664 तक मात्र 2 वर्ष ही ये सिखों के गुरु रहे। इसके बाद अगले गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर अब इधर जो राम राय है ये भी चाहता है कि मैं गुरु बनूं, तो ये लगा हुआ है इधर गुरु, पहले तो गुरु हरकिशन को हटाने के लिए लगा था, अब गुरु तेग बहादुर को बना दिया गया है। तो राम राय जो कि अभी भी मुगल दरबार में है, औरंगजेब उससे मतलब औरंगजेब को भी वो खुश कर चुका है और औरंगजेब भी राम राय को अपने प्रभाव में ले चुका है, तो औरंगजेब भी चाहता होगा कि राम राय को ही बनाया जाए। तो राम राय जो है लगातार तेग बहादुर के खिलाफ औरंगजेब के कान भरना शुरू कर देता है। इधर जो गुरु तेग बहादुर होते हैं ये औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का पुरजोर विरोध करना चालू कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना, औरंगजेब बड़ा मतलब गुस्सा हो जाता है कि एक तो राम राय को बनना चाहिए, इधर गुरु तेग बहादुर उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर के खिलाफ वो जो है सेना भेजता है, गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ करके दिल्ली लाया जाता है, उनको जो है बोला जाता है कि इस्लाम कबूल करिए, सिख मतलब अपना जो सिख धर्म है उसको छोड़ो, इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन जो गुरु तेग बहादुर है वो टस से मस नहीं होते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, लेकिन जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो बिल्कुल भी औरंगजेब की बातों में नहीं आते हैं, टस से मस नहीं होते हैं, और औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा देता है। बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है हत्या कर दो, इस टाइप से। तो गुरु तेग बहादुर जी सन 1664 से लेकर के 75 तक 11 वर्ष तक गुरु रहे, सिख गुरु रहे, मतलब सिखों के ये 9वें गुरु रहे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के 9 वर्षीय पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को सन 1675 में सिखों का 10वां गुरु नियुक्त किया जाता है, जो कि 1708 तक सिखों के गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो है लगभग लगभग पूरा ये पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है कि सिखों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उनको जो है लड़ना होगा, तलवार उठाना होगा। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो तो 9 वर्ष में गुरु बने थे, लेकिन धीरे धीरे परिपक्व होना चालू हो जाते हैं और आगे चल करके ये जो है खालसा संघ की स्थापना करते हैं। खालसा संघ ये क्या था? खालसा संघ मतलब ये जो है सिखों को एक सैन्य शक्ति में बदल देते हैं, मतलब अब जो है आर पार की लड़ाई होनी है, हम सबको तलवार उठाना है, अस्त्र शस्त्र उठाना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो हमको लड़ना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी को श्रेय जाता है कि ये जो है सिखों को एक लड़ाकू योद्धा के रूप में परिणत कर देते हैं। हालांकि जो शुरुआत है गुरु हरगोविंद जी ने कर दी थी, उन्होंने जो है मतलब तलवार वगैरह धारण करना शुरू कर दिया था, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह जी वो बाकायदा खालसा संघ की स्थापना करते हैं और सिखों को जो है एक क्या कहते हैं लड़ाकू योद्धा में बदलना चालू कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे अब ये जो है मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं अपना जो औरंगजेब है वो लगा हुआ होता है इनके पीछे, लेकिन उसको भी उतना कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब है वो अलग अलग जगह पे उंगली करके रखा हुआ था, उधर वो मराठों को उंगली कर रहा था, राजपूतों को उंगली कर रहा था, बीजापुर गोलकुंडा, तो सब तरफ वो भी उलझा हुआ था अपनी गलतियों के चलते ही, तो इस कारण भी उसको जो है सफलता नहीं मिल रहा होता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं और इनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने अपने समय में आनंदपुर उसको अपना केंद्र बना रखा था, मुख्यालय बना रखा था। तो गुरु गोविंद सिंह के समय में भी ये जो आनंदपुर है ये सिखों का केंद्र होता है। तो क्या होता है सन 1704 के आसपास में, कुछ स्थानों पर कुछ दूसरा डेट भी मिलता है, तो सन 1704 के आसपास में जो मुगल है वो सिखों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि जो सिख है ना 1704 से पहले उन्होंने राजपूतों को परास्त किया था, मतलब कुछ हुआ होगा राजपूत और सिखों के बीच, तो राजपूतों को भी उन्होंने परास्त किया था सिखों ने, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख सेना ने। तो अब जो है वो राजपूत लोग औरंगजेब के पास शिकायत करते हैं, फिर औरंगजेब जो है सेना भेजता है लेकिन विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, फिर वो जो है थक हार करके एक विशाल सेना भेजता है, बड़ी सेना, मतलब एकदम युद्ध करने जाना है
उस टाइप से। तो वो लोग जो है आनंदपुर में पहुंचते हैं, यहाँ पर घेरा डाल दिया जाता है, घेरा लंबे समय तक चलता है, और जब अंदर रसद वसद समाप्त हो जाता होगा तो गुरु गोविंद सिंह जी को लगता होगा कि अब जो है बचना मुश्किल है, तो वो वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। और इस प्रकार से आनंदपुर वहाँ पर जो है मुगलों का अधिकार हो जाता है, औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो अपने साथियों के साथ आनंदपुर से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसका नाम है चमकौर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आनंदपुर भी इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर जो है मुगलों के अधिकार में चला गया, तो वहां से अब जो है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथी जो है चमकौर पहुंचते हैं, जो कि एक गांव था, तो यहां पर वो डेरा डालते हैं। लेकिन जो मुगल है उनको पता चल जाता है कि ये लोग जो है चमकौर में छिपे हुए हैं, तो यहां भी मुगल पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां जो भी मतलब सिख सरदार होते हैं वो लोग गुरु गोविंद सिंह जी को वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं, क्योंकि गुरु का जीवित रहना आवश्यक है, गुरु जीवित रहेंगे तो संघर्ष जारी रहेगा। तो यहां पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र, जिनका नाम था, नाम याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र थे अजीत सिंह और दूसरे का नाम था जुझार सिंह। तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर मुगलों का सामना करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चमकौर में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मात्र 40 साथी थे, मतलब उन 40 लोगों ने मिल करके मुगलों का सामना किया, जिनमें से गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह भी थे, जो कि मुगलों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। एक ना मूवी आई हुई थी चार साहिबजादे करके, जिसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो चार बेटे थे ना, एक अजीत सिंह, जुझार सिंह, ये बड़े बड़े पुत्र थे, उसके बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये छोटे छोटे थे, तो इन चारों के ऊपर में वो फिल्म बेस्ड है, देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है चार साहिबजादे करके। तो उसमें दिखाया गया है पूरा चमकौर का युद्ध, आनंदपुर वाला ये पूरा दिखाया गया है। तो यहां पर जो है चमकौर में अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये दो जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बच्चे होते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी के रसोइया के साथ उनके गांव चले जाते हैं। और आगे चल करके जो रसोइया है उसके मन में लालच उठ जाता है कि मतलब अगर मैं इनको मुगलों के हाथ सौंप दूं तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि जो औरंगजेब है वो घोषणा किया हुआ होता है कि जो भी इनका पता बताएगा गुरु गोविंद सिंह जी का, उनसे संबंधित किसी का भी, तो अच्छा खासा मैं पैसा दूंगा। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी का रसोइया होता है, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों मतलब जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको जो है मुगलों के हवाले कर देता है। और बाद में जो है मुगल उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनको इस्लाम कबूल करने को बोलते हैं, लेकिन वो जो हैं तस से मस नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, जहां उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके चारों बच्चे जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं औरंगजेब के हाथ नहीं लगते हैं। अब जो है औरंगजेब वो बूढ़ा हो चुका है, उधर वो दक्षिण में मुगल मराठों के साथ संघर्ष कर रहा है, कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, इधर सिखों के साथ संघर्षरत है, लेकिन यहाँ भी कोई विशेष सफलता उसको नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब वो परेशान हो चुका था, तो वो जो है संधि की पेशकश करना शुरू कर देता है, गुरु गोविंद सिंह जी को दक्षिण में आमंत्रित करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण गए तो उसी समय जो औरंगजेब है उसका डेथ हो जाता है, सन 1707 में। अब औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम वो मुगल वंश का अगला बादशाह बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सन 1708 में बहादुर शाह प्रथम उसने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा आमंत्रित किया और उनको वहां सम्मानित किया, मतलब कि जो संघर्ष है उसको समाप्त करने की उन्होंने बात कही होगी, मतलब रिश्ते सुधारने की उसने कोशिश की होगी। तो यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, जो बहादुर शाह है मतलब मुगल साम्राज्य का सातवां शासक, वो जो है गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा आमंत्रित करके सम्मानित करता है, मतलब अच्छे से व्यवहार करता होगा। लेकिन इसी वर्ष सन 1708 में एक अफगान द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की छुरा मार करके हत्या कर दी जाती है। तो सन 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो है सिखों के 10वें गुरु थे। इसके बाद जो उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसको जो है अगला गुरु घोषित किया गया। अब जो है कोई गुरु नहीं होगा, जो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वही गुरु होगा, ये इस टाइप से कुछ वो करते हैं। तो ये जो है आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनके चार बच्चे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद भी ना आगे आने वाले समय में भी मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष चलता रहता है।
हालांकि मुगल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो आगे फिर जो सिख हैं उनके जो शत्रु हैं वो बदल जाते हैं, मुगलों के स्थान पर दूसरे आ जाते हैं, जिसको हम लोग जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पर पढ़ेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सिख मुगल और सिखों का संबंध अकबर के समय में ठीक था, शाहजहां के शासन के अंतिम समय में दारा सिखों के कारण थोड़ा सा संबंध सुधरने की ओर था, लेकिन औरंगजेब के समय फिर से बिगड़ गया। तो ध्यान रखेंगे सब कुछ। वैसे मैंने औरंगजेब के समय में मुगल और सिखों के बीच क्या संबंध रहे उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कोई डाउट हो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।